हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं आरओ एआरओ 2017 के बारे में और साथ ही यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि दोस्तों आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और कोई भी आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में निकला है, आरओ एआरओ चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन 27 से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में लंबे लंबे समय से खाली आरओ एआरओ यानी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों का पद भरने की कवायद शुरू हो गई है। यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ 2017 के चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन 27 व 28 मई को कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन 26 मार्च से 3 अप्रैल तक होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई थी। यूपीपीएससी ने 2017 में आरओ एआरओ के 465 पदों का विज्ञापन निकाला था। कुछ माह बाद पदों की संख्या बढ़ाकर 809 हो गई। प्रारंभिक परीक्षा 8 अप्रैल 2017 को कराई थी। इसमें 5,33,447 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 3,39,639 अभ्यर्थी शामिल हुए और रिजल्ट 14 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। इसमें 15,342 अभ्यर्थी सफल की मुख्य परीक्षा 17 से 20 फरवरी 2019 को कराई गई थी। आयोग ने पूरी समय सारणी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रदेश भर से अभ्यर्थी आएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दस्तावेजों के सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया है, लेकिन अभी ट्रेन व बसें आदि नहीं चल रही हैं। प्रयागराज में रहने वालों को सरकार बसों से घर भेज चुकी है। ये बातें तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान समय में सभी लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और इसके लिए अब देखिए क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया है ऐसे चयनित नहीं आए। जिन चयनितों को खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई अन्य बीमारी है, उन्हें सत्यापन कराने के लिए आने से मना किया गया है। उन्हें सत्यापन कराने का दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी कि थोड़ा सा भी इस चीज़ की दिक्कत होगी जिन स्टूडेंट को, उनका जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनका जो वेरिफिकेशन है वो बाद में भी हो जाएगा, उनको बाद में भी बुला लिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए निर्देश क्या दे रहा है, सभी मास्क लगाकर ही आए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चयनितों को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है। सबको शारीरिक दूरी मानक का पालन करना होगा। गेट नंबर 2 का सैनिटाइजर कराया गया है। थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद चयनितों को प्रवेश मिलेगा। कब किसका होगा सत्यापन? 27 मई सुबह 10 से 12 बजे तक यूपीपीएससी के लिए आरओ के 14 चयनित, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक एआरओ के 25 चयनितों का, फिर 28 मई सुबह 10 से 1 बजे तक यूपीपीएससी के लिए एआरओ के 29 चयनित, 3 से 4 बजे तक राजस्व परिषद के लिए आरओ के 7 चयनित, शाम 4 से 5 बजे तक एआरओ के 6 चयनितों का सत्यापन होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूपीएससी प्री की नई तारीख 5 जून को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की नई तिथि घोषणा आगे बढ़ा दी है। आयोग ने कहा कि हालात को देखते हुए 5 जून 2020 को नई परीक्षा तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना भी जारी की है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी परीक्षा 2020 का आयोजन 31 मई को होना था, लेकिन देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते प्रारंभिक परीक्षा को टालने का फैसला किया गया था। इस बारे में आयोग ने 4 मई को अधिसूचना जारी कर परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी थी। इस नोटिस में यह भी कहा गया था कि 4 मई को आयोग ने कोरोना वायरस से उपजे हालात को लेकर एक विशेष मीटिंग ली थी, जिसमें परीक्षा को टालने का फैसला किया गया था। तो इसी तरह जिस तरह से टाला था, उसी तरह दोस्तों फिर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 जून को नई परीक्षा तिथि का फिर से उस पर अपलोड कर दिया जाएगा सूचना। तो जो भी स्टूडेंट इसको देखना चाहते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं यूपीएससी के। तो दोस्तों, ये रही दो मुख्य खबरें एग्जाम से रिलेटेड। जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।